नट मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी बापू जी, भूल गया। भूल गया? तुम्हें तो बड़ा विनम्र होके झुक झुक के पूछ रहा था। और कुछ बात पूछू? और कोई सेवा मेरे लिए? इतना छोटा सा काम तुझे याद नहीं रहता? जलेबी फाफड़ा खाना तो बराबर याद रहता है, देर तक सोने का बराबर याद रहता है। और अगर एक छोटा सा काम करने को बोलो तो क्या है? सॉरी, भूल गया बापू जी। तुम्हें बोला था ना केरी मंगवा लेना? बोला था बापू जी, लेकिन वो क्या दुकान के काम का टेंशन में एकदम दिमाग से निकल गया, उसमें भूल गया। चल चलो बे, जब देखो तब दुकान के काम के टेंशन का नाम लेकर छूट जाता है। अरे केरी इस गर्मी में नहीं खाएंगे तो क्या नाताल में खाएंगे? आज नाताल है केरी खाओ, आज नाताल है केरी खाओ। बापू जी, मैं केसर करी लाना भूल गया, लेकिन उसके बदले आपके लिए कुछ और लाया हूँ। क्या लंगड़ा फूस? क्या करूं मैं इसका? क्या है ये? बापूजी, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, और उस गलती के लिए आप मुझे माफ कर दो। उसके लिए ये सॉरी का कार्ड लेके आया हूं। अपनी गलती मानकर सॉरी बोलने के लिए भी बड़ी बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, और मुझे गर्व है कि तुझ में वो हिम्मत है बेटा। बापू जी, हाँ टप्पू के पापा मस्त कारण ढूंढ कर लाए हैं। थैंक यू दया। महंगा होगा? नहीं नहीं नहीं, फिर भी कितने का है जीटिया? 60 रुपया। ओहो, 60 रुपए में इतना बड़ा कारण? वो थोड़ी मेहनत लगती है, ढूंढना पड़ता है, लेकिन मिल जाता है। अरे बहू, ये कार 60 रुपए का नहीं, 600 रुपए का, 600 रुपए का। अरे 500 रुपए की केरी लाना भूल गया, उसके लिए सॉरी का 600 रुपए का कार्ड, 600 रुपए का। बाबू चाट डबो, अक्कल जो तुम्हें। अरे तेरी अकल क्या घास चलने गई थी? अरे तू क्या धंधा भी ऐसे ही करते? तू कच्चे व्यापारी है कि बीमारी है? बीमारी 600 रुपए का कार्ड? अरे 600 रुपए का कार्ड लाता है कोई? है कोई लाता है 600 रुपए का कार्ड? अरे तो फिर तू क्यों लाया? सॉरी बापूजी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसे कोई कारण लाता है तो उसकी कीमत नहीं देखते। वो कारण लाने के पीछे की लागनी देखते हैं।
सॉरी दोस्तों, इससे बड़ा सहयोग मैंने तो जीवन में नहीं देखा। जेठालाल ने जो 100 की नोट अपने हाथों से सुबह रिक्शा वाले को दी, वही नोट इतनी बड़ी दुनिया में घूम फिर के वापस शाम को जेठालाल के पास आ गया। हाँ, इसी खुशी में आज सबको सोडा मेरी तरफ से अब्दुल। अरे वाह, ये तो और भी खुशी की बात है। लाओ भाई अब्दुल, सोडा दो जल्दी। तो 100 की नोट मिलने की खुशी में सबको सोडा। अब्दुल, ये भिड़े की सोडा का पैसा उससे ही लेना। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 100 की नोट के जोक के लिए सॉरी। या भाई, ये भिड़े जरा सोच समझ के, ये देख फिर ऐसा होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, जरा सोच समझ के बात किया करना भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है मेहता साहब, जोक जब सूझता और बाहर नहीं आता है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है, एकदम अजीर्ण हो जाता है, इसलिए वो बाहर आना चाहिए। सोडा पिला भाई तो सब ठीक रहेगा। तू एक काम कर भाई, तू इधर अब्दुल की दुकान में पत्थरी लगा के सो जा और सोडा पीता रहे, सारा अजीर्ण गायब हो जाएगा। सोडा पीता रहे भाई। लाओ भाई लाओ, लीजिए। आजकल कितनी गर्मी हो रही है, नहीं दिन में कातिल धूप और रात को हवा का एक झोंका नहीं। अरे आप लोगों को पता है, ऐसी गर्मी के सीजन में भी हमारे गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। बारिश बोलो। दया भाभी, मौसम का आजकल कोई भरोसा नहीं है, और वैसे भी गर्मी के दिनों में तबियत का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये हमेशा कहते रहते हैं, गर्मी में ज्यादा पानी पीना चाहिए। भिड़े भाई इज वेरी राइट। माधवी भाभी, सिर्फ पानी नहीं, मैं तो तारक को दिन में 4 बार कच्ची कैरी का पन्ना पिलाती हूँ। अरे वाह, अंजलि भाभी बहुत ख्याल रखती है नहीं मेहता साहब का। काश इतनी कदर उनको होती। आम पनाना वाला चार चार क्लास। वैसे हमारी सोसाइटी में अगर सबसे ज्यादा कोई किसी का ख्याल रखता है ना, तो वो है जेठा जी दया भाभी का। करेक्ट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट लास्ट। छिपाइए मत, मुझे सब पता है। आज ना दया भाभी जेठा जी से नाराज हो गए थे, इसलिए जेठा जी उनके लिए सॉरी का कार्ड लेके आए थे। सो रोमांटिक। अरे रोमांटिक वाली कोई बात नहीं है, टप्पू के पापा दरअसल सॉरी का कार्ड मेरे लिए नहीं, बापू जी के लिए लाए थे। चाचा जी? चाचा जी के लिए? बता दी, वो क्या है, बापू जी ने टप्पू के पापा को केसर कैरी लाने को कहा था, पर टप्पू के पापा केसर कैरी लाना भूल गए, इसलिए टप्पू के पापा बापू जी के लिए सॉरी का कार्ड लेकर आए थे। अच्छा सो। भी एक बात तो माननी पड़ेगी, जेठा भाई बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। हाँ, वो तो है। अंजलि भाभी, सिर्फ बड़ों का नहीं बच्चों का भी वो उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। संस्कार, आफ्टर ऑल संस्कार। सब बापू जी के संस्कार है। अरे दया, सबको लेके कुल्फी है, कुल्फी खाने के लिए हमारी तरफ से। लाओ 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 भाई लाओ। अरे अभिता जी, आपको ही नहीं मिला। थैंक यू। जिसके लिए लगती नहीं कोई फी, वो है कुल्फी। अरे अब्दुल भाई, सोडा पिला, सोडा पिला। अजीर्ण हो गया है, सोडा पिला।
इसको। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। अरे और अरे जिगर जान सर। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? आजा इधर बैठ मेरे बाजू में। तेरे लिए मैं सरप्राइज लेके आया हूँ। सरप्राइज? क्या कैसे सरप्राइज? खोल के देख। मुझे बाबा बोलते भी नहीं। और अरे अरे ये कटिंग की पेपरमिंट तो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तो लाया हूँ। खा 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 खा। अबे ये ला ला ला। मैं कितने सालों के बाद ये पेपरमिंट खा रही हूँ बोला। मस्त है ना? टप्पू के पापा, मुझे आपको एक बात कहनी है। अरे परवानगी क्या मांग रही है? बोल बोल। आपने बहुत बहुत अच्छे हैं। अरे अचानक आज मेरी तारीफ? अरे सिर्फ मेरी नहीं, सोसाइटी की सभी लेडीज आपकी तारीफ कर रही थी। क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? टप्पू के पापा, आपका यही तो बड़प्पन है, अच्छा ही करके अब उसे याद भी नहीं रखते। अरे लेकिन ऐसा क्या अच्छा किया मैंने, मुझे भी तो पता चले। आज सभी लेडीज को मैंने बताया कि आप अपनी गलती की माफी के लिए बापूजी के लिए सॉरी का कार्ड लेकर गए, तो ये सुनकर सभी लेडीज बहुत खुश हो गए। मैं क्या? लेकिन टप्पू के पापा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, बबीता जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो कार्ड आप मेरे लिए लाए थे? क्योंकि बबीता जी को मैंने ऐसा कहा था। कब? जब मैं बबीता जी और अय्यर भाई के घर गया था तब। कब? क्यों? दरअसल क्या हुआ दया, आज सुबह मैं दुकान जा रहा था तभी सोसाइटी कंपाउंड में मुझे बबीता जी मिले, तो उसी वक्त लंदन चौक के काकी माँ का फोन आया और वो बबीता जी का कोई नंबर लिखवा रहे थे, तो बबीता जी के पास कुछ था नहीं तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं लिख लेता हूँ, और मैंने मेरी जेब में 100 की नोट थी उसके ऊपर वो नंबर लिख लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि तूने आवाज लगाई तो मैं आया उधर, वो फाइल बाइल उड़ाई सब कागज कितर बितर हो गए और वो सब धमा चकड़ी में मैं वो नंबर बबीता जी को देना भूल गया और रिक्शा में बैठ के मेहता साहब के साथ मैं निकल गया। फिर दुकान पहुंच के मैंने वो रिक्शा वाले को भाड़ा दिया, तो भाड़े में मैंने वही 100 रुपये की नोट रिक्शा वाले को दे दी। और फिर क्या, फिर बबीता जी का फोन आया वो नंबर मांगने के लिए, तब मुझे याद आया कि अरे बाप रे वो 100 रुपये की नोट तो मैंने रिक्शा वाले को दे दिया। बाप रे, फिर पूरा दिन टेंशन टेंशन टेंशन, भागा को मैंने दौड़ाया, बोला तू ढूंढ कैसे भी करके वो रिक्शा वाले को, वो बेचारा भागा दौड़ी करके 10-15 रिक्शा वाले को लेके आया, लेकिन उसमें से मेरा वाला कोई नहीं था। टेंशन टेंशन टेंशन, उसी में ना वो रिक्शा वाला मिला ना वो नोट मिली और वो केसर केरी लाना भी भूल गया। मतलब वो 100 रुपए की लक्की नोट लक्की नहीं थी, बबीता जी का टेलीफोन नंबर वाली नोट थी। हाँ दया सॉरी, वो बात मैंने तुझसे छुपाई। लक्की?
मैं वो तुझे बताता और तू बातों बातों में बबीता जी को बता देती कि टप्पू के पापा से आपका वो नंबर खो गया है तो? हाँ, वो बात तो है। इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया। वैसे सच कहूं दया तो ये नोट मुझे सिर्फ तेरी वजह से मिली है। मेरी वजह से कैसे? तेरी माता जी पे अटूट श्रद्धा और विश्वास की वजह से ही मिली है। तूने माता जी को दिल से प्रार्थना की कि टप्पू के पापा को 100 रुपए की नोट मिल जाए, तो मिल गई। लेकिन ये तो बताइए, आपको 100 रुपए की नोट मिली कैसे? अरे दया, वो तो गजब चमत्कार हो गया। क्या हुआ, मैं हताश होके कि अभी तो नोट मिलने का कोई चांस ही नहीं है, ये सब सोचते सोचते, अभी बबीता जी को क्या जवाब दूंगा वो सब सोचते सोचते गोडाउन में ऐसे सर पे हाथ रख कर बैठा था, तभी नट्टू काकर भागा है और बोले कि सेठ जी अभी और कोई रास्ता नहीं है, आप बबीता जी को एक सॉरी का कार्ड दे के सॉरी बोल दीजिए। तो मैंने भी सोचा कि अभी ठीक है, उनको बताना तो पड़ेगा ही कि भाई मेरे पास वो नंबर अभी नहीं है। तो फिर मैं सॉरी का कार्ड लेने गया, खरीद करके दुकान में वापस आया और तभी पता नहीं अचानक कहाँ से एक कस्टमर आया और अपने मोबाइल में 200 का रिचार्ज कराने और उसने मुझे 100-100 की दो नोट दी। तो उसने मुझे जो दो नोट दी उसमें से एक नोट मेरी वाली थी जिसके ऊपर मैंने बबीता जी वाला वो नंबर लिखा था। हाँ बोला 100 रुपए की वो नोट कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमते घूमते आपके पास वापस आ गई, वरना मुंबई की करोड़ों की आबादी में वही नोट वापस आपके हाथ में आना, ये तो खरे खर माता जी का चमत्कार नहीं था और क्या है टुप्पू के पापा? एकदम एकदम चमत्कार, मतलब अद्भुत चमत्कार। बोलो हमने बात की। चलो टप्पू के पापा, माता जी ने आपका सारा टेंशन दूर कर दिया है, अरे अब आप शांति से सो जाइए। दया हाँ? एक और बात। हाँ बोलिए। बापूजी को प्लीज बताना मत कि वो सॉरी कार्ड में उनके लिए नहीं लाया था। एक शर्त पर नहीं बताऊंगी। कौन सी? यही कि आज आप जो भूल गए हैं वो केसर केरी की पेटी कल याद से बापूजी के लिए पैसे लेकर आएंगे। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? कल कल है? अरे मित्र जेठालाल के लिए शायद आज का दिन मेले के उस जायंट व्हील की तरह था जिसमें हर चक्कर में कई चक्कर आ जाते हैं आपको। नहीं, कई बार जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब सुबह से लेकर शाम तक मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन दोस्तों ऐसे समय में एक ही चीज होती है जो आपके साथ हमेशा होती है, अपनों की दुआ। देखिए ना, दया भाभी ने जेठे से तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।